हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, बीपीएससी TRE3 का जो परीक्षा शेड्यूल है वो जारी हो चुका है। किस दिन किस सब्जेक्ट का एग्जाम है, किस क्लास का है। जैसा कि दोस्तों आपका एग्जाम जो है बीपीएससी TRE3 री एग्जाम जो है 19, 20 और 21 जुलाई को प्रथम पाली में होगा, यानी 9:30 से 12 बजे तक। एंड जो 22 जुलाई को एग्जाम है दो पालियों में संपन्न होगा। प्रथम पाली का टाइम रहेगा 9:30 से 12 बजे तक मॉर्निंग, एंड द्वितीय पाली का टाइम रहेगा 2:30 बजे से 5 बजे तक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं 19 जुलाई को शुक्रवार दिन पड़ रहा है। यहाँ पे 6 to 8 के सभी सब्जेक्ट का एग्जाम है, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू। एंड यहाँ पे 20 जुलाई को संडे, यानी 20 जुलाई को शनिवार यानी सैटरडे पढ़ रहा है। यहाँ पे 1 to 5 के सभी विषयों का सामान्य उर्दू बंगला सब्जेक्ट का एग्जाम है। एंड 21 जुलाई को संडे यानी रविवार पढ़ रहा है, इसमें 9th-10th के सभी विषयों का एग्जाम है, हिंदी, बंगला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, गणित, ललित कला एंड शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत, सामाजिक विज्ञान। तो यहाँ पे शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन का मेरा यूट्यूब चैनल पे सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, आप सबको पता ही है। तो फिजिकल एजुकेशन का दोस्तों 21 जुलाई को एग्जाम है, याद रखिएगा। एंड दोस्तों, जैसे कि प्रथम पाली का समय 9:30 से 12 बजे तक, एंड द्वितीय पाली का समय 2:30 से 5 बजे तक PM तक रहेगा। एंड 22 जुलाई को दिन सोमवार पड़ रहा है, 11th-12th के सभी सब्जेक्ट का एग्जाम है, प्रथम और द्वितीय पाली मिला करके। तो दोस्तों ये आपका शेड्यूल जारी हो चुका है। अब आपके पास टाइम नहीं है, 5-6 जुलाई तक आपका डमी एडमिट कार्ड 5-6 दिन में डाउनलोड हो जाएगा, आपका सीटी पता चल जाएगा, बट सेंटर आपके एग्जाम के 2-3 दिन पहले ही पता चलेगा, यानी 3-4 दिन पहले तक आपको पता चलेगा। तो आपका शेड्यूल जारी हो चुका है, और आप पूरे मन से लग जाइए, सभी त्रुटियों को दूर कीजिए एंड प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और जो क्वेश्चन आपको कठिन लग रहा है, जिसको अभी समझ में नहीं आ रहा है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। और जो आप जान रहे हैं उसमें कमी नहीं होना चाहिए, जो आप पढ़े हैं अच्छे से उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि उससे जो क्वेश्चन आए वो गलती नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि बहुत पछतावा होता है जब आपको ये लगता है कि नहीं, ये तो हम पढ़े थे अच्छे से, लास्ट में रिवीजन न करने के कारण मैं उस क्वेश्चन को हल नहीं कर पाया। तो ऐसा न हो दोस्तों, आपके पास अभी आपका 28 जून चल रहा है, तो आपका पूरा 19 यानी 21 को आपका एग्जाम है फिजिकल एजुकेशन का। तो दोस्तों आपका 20 दिन उधर हो गया और 2 दिन इधर, आपका 1-2 दिन बहुत दूर से है तो जाने आने में लग जाएगा। तो 18-19 दिन का जो टाइम है दोस्तों, उसको पूरा अपने आप को सभी काम छोड़ कर दीजिए। जैसा कि मैं फिजिकल एजुकेशन मेरे यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया जाता है, एंड दोस्तों जैसा कि चैप्टर वाइज मैंने सभी चीज़ें दिया हुआ है, अब BPSC TRE2 में मैंने जो हर एक टॉपिक का एकदम निचोड़ करके वीडियो बनाया हुआ है इंग्लिश हिंदी दोनों में, उसको आप लास्ट में अब जरूर प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। सभी वीडियो को जरूर देखिए, और इधर मैं जो प्रैक्टिस करा रही हूँ उसे तो जरूर देखिए, 2024 का जो भी है। लास्ट में मैं कोशिश करूंगी कि जो मुख्य मुख्य पॉइंट है, 4-5 वीडियो ऐसा बनाऊंगी जिससे क्वेश्चन आपके अवश्य आएंगे। लेकिन फिर भी यदि बाई चांस मैं किसी कारणवश नहीं बना पाई, फिर भी अपने सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए। और मैं BPSC TRE2 में जो इंग्लिश हिंदी में प्रैक्टिस कराई हूँ, सारे वीडियो 79 वीडियोज़ को पुनः आप देखिए, और जो मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ उसे भी देखिए। तो दोस्तों आई होप कि आपको पूरा शेड्यूल समझ में आया होगा, आपको कैसे तैयारी करना है आप खुद जान सकते हैं, क्योंकि अपनी कमजोरी कोई दूसरा नहीं जानता, आप खुद जानते हैं क्या उनको सुधार करना है, क्या करना है। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट सबको, सबका एग्जाम अच्छा जाए, बेहतर अपने आप को करने की सोचिए, कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। अच्छा बेहतर कर्म करेंगे तो फल अपने आप अच्छा होता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।